जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लेकर आए हैं नेपाल की शानदार ट्रिप, जिसमें होगा पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन, काठमांडू और नेपाल की फेमस हिल स्टेशन पोखरा भी घुमाया जाएगा और साथ ही साथ लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक केवल 16,000 में, जिसमें 6 दिन के रहने के लिए फैमिली डिलक्स रूम, घूमने के लिए मिनी बस और घर जैसा खाने का इंतजाम किया गया है। वापस लौटते ही होंगे श्री राम जी के दर्शन राम जन्मभूमि अयोध्या में। नमस्कार, पीसीएन न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन यानी जो लोगों के हक के लिए लड़ती है, चाहे वो किसी भी तरह का काम करता हो, मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, कोई भी जो मेहनत से कमा कर आगे बढ़ता है और उसके हक के लिए लड़ती है भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन, जिनके अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रेमपाल गुरुजी, जो उल्लासनगर में आए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उल्लासनगर शहर अध्यक्ष बनाया गया सुरेंद्र पाल गिर को। सुरेंद्र पाल गिर एक आने वाले इन यूनियन के जो मजदूर है उनके साथ में रह के काम करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से सुरेंद्र पाल गिर को अध्यक्ष पद के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रेमपाल गुरुजी है, मैं भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम पूरे भारत में मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो अन्य कैडर का कर्मचारी हो, उनके साथ कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है तो भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन उसको, उस अन्याय को तोड़ने के लिए, उस अन्याय को समाप्त करने के लिए भरचोर प्रयास करती है और कार्य कर रही है निरंतर। ठीक इसी तरह से उल्लासनगर में जो बात मेरे संज्ञान में आई कि यहाँ सफाई कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जैसे कि रविवार की छुट्टी का भी विषय यहाँ आया है सामने संज्ञान में, मैं महानगर पालिका को आप लोगों के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि रविवार की छुट्टी ये आज का प्रचलन नहीं है,
1881 में कामगारों के आधार स्तंभ आदरणीय नारायण भाई मेघाजी लोखंडे ने ये इस आंदोलन को शुरू किया था अंग्रेजों के शासनकाल में, जब रविवार की छुट्टी का प्रचलन नहीं था भारत में, केवल अंग्रेजों को ही रविवार छुट्टी दी जाती थी, भारतीय गुलाम कर्मचारियों को नहीं दी जाती थी। तो नारायण मेघाजी लोखंडे ने कम से कम 15 साल इस पर आंदोलन किया और अंग्रेज उसके सामने झुके और रविवार की छुट्टी भारतीय लोगों को भी गुलाम भारत में उस समय प्रचलन दिया गया। तो इस तरह से यहाँ मुझे लगता है कि महानगर पालिका उल्लासनगर सफाई कर्मचारियों को गुलाम बना के रखना चाहती है। रविवार की छुट्टी तो राष्ट्रीय छुट्टी होती है, उसको एक राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है छुट्टी का अंग्रेजों के प्रचलन के शासनकाल से। इस तरह से दूसरी बात, सफाई कार्य में जिस तरह से यहाँ धड़ल्ले से ठेकेदारी हो रही है वो पूरी तरह से अनैतिक है, गैरकानूनी है। ये जो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के नियमों का सीधा सीधा वायलेंस है। इसके लिए इसको तुरंत महानगर पालिका, जहाँ कहीं भी ठेकेदारी हो रही है सफाई कर्मचारियों की, उसको तुरंत स्थगित करें, उस ठेकेदारी को तुरंत रद्द करें और उसकी जगह पर रेगुलर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। दूसरी बात, यहाँ महाराष्ट्र में लाड़ पागे समिति का एक प्रचलन है कि सफाई कर्मचारी अगर सेवा मुक्त होता है और सेवानिवृत्त होता है, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसके आश्रित को एक नौकरी देने का, वारसक पद्धति के आधार पर नौकरी देने का प्रचलन है। लेकिन मुझे जो मेरी जो संज्ञान में बात आ रही है, यहाँ पर कम से कम 150 केस वारसक के अभी तक प्रलंबित हैं। क्यों प्रलंबित हैं, महानगर पालिका इसका उत्तर दे। अगर वो ठीक तरह से उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन जो है महानगर पालिका के विरुद्ध तीव्र आंदोलन छेड़ देगा और हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। आज जो नियुक्ति की गई है उसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, मैं उल्लासनगर में मुझे लाने वाले ही सुरेंद्र पाल गोहर साहब हैं और हमारे एक साथी और प्रताप का करोतिया जी हैं, जो लोग मेरे संपर्क में आए और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आप आइए, यहाँ भी काम कीजिए, जिस तरह से आप अन्य भारत के राज्यों में काम कर रहे हैं, अन्य शहरों में काम कर रहे हैं, यहाँ भी सफाई कर्मचारियों के साथ और मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो जब ये बातें मेरे संज्ञान में आई तो मुझे लगा कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति गोहर साहब को हमने सोचा कि इनको ये जिम्मेदारी दी जाए यहाँ पर शहर अध्यक्ष की, और इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम सुरेंद्र पाल गोहर जी के नेतृत्व में यहाँ सफाई कर्मचारियों को पूर्णतया न्याय दिलाने के लिए सक्षम रहेंगे और सफल रहेंगे, ये पूर्ण मुझे विश्वास है। जी, मेरा नाम श्री सुरेंद्र पाल गोहर, उल्लासनगर शहर अध्यक्ष बनाया हुआ मुझे हमारे बॉस ने। तो सर जी, वो जिम्मेदारी हम अपने जो लोगों को, अपने गरीब लोग हैं जो अपने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके पास अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत ताकत से हम लोग लड़ाई करेंगे और उनका न्याय हम परोपकार दिलाएंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसा मेरा विचार है सर। हमें जो गुरु जी ने जिम्मेदारी दी है तो उसका हम सही तरह से उनका निभाएंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना जाना चाहूँगा। मेरा परिचय ऐसा है, मैं म्युनिसिपल लेबर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रमेश संभाजी आगड़े है और जो प्रेमपाल गुरुजी ने जो हमें यहाँ पर इन्वाइट किया है, यहाँ पर उनके भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन पे उन्होंने हमें यहाँ पर बुला के हमारा सम्मान किया है, सबसे पहले उनका धन्यवाद दूँगा। और दूसरी बात, जो सुरेंद्र पाल गौर इनको जो उन्होंने आदेश प्रदान किए हैं, उनका आदेश का पालन वो अच्छी तरह से करेंगे, ये हमें भी पता है। और जो इनके जो पदाधिकारी दूसरे भी है उनको भी मेरा ये कहना है कि यूनियन, एक यूनियन वाले को इन्होंने यहाँ पर इन्वाइट किया है, तो यूनियन वाले जो यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों के लिए जो काम करना है उसकी इनको बहुत सी ऐसी कर्मचारियों को अन्याय नहीं होना चाहिए, या तो कोई यूनियन वाले को कोई बुलाते नहीं है। मेरे को इन्होंने बुला के इन्होंने इनका एक तरीका प्रोस्पेक्टिव दिया है कि बाबा हमको गरीबों का निवारण करना है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि जो यहाँ पर उल्लासनगर में जो हो रहा है
बहुत ही गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। इन्होंने कल भी मेरे से मीटिंग ली, कल मेरे से बात करके कैसे क्या चल रहा है, तो इनको बोला आप आइए हम मिलके कर्मचारियों का हम लोग निवारण करेंगे। अभी जो म्युनिसिपल लेबर यूनियन जो इन्होंने जो काम किया अभी यहाँ पर, तो जिस तरीके से समझो यहाँ पर दो दो तीन दिन फेडरेशन में काम होता है, वैसे हम यहाँ पर आने के बाद मिलके काम करेंगे। मगर जो कर्मचारी के ऊपर अन्याय जो हो रहा है वो हम लोग 100% वो अन्याय को आने के विरुद्ध लड़ेंगे, जरूर जरूर लड़ेंगे। हम भी उनके साथ में हैं और हमें उन्होंने बुला के हमको जो सम्मान दिया वो सम्मान का हम आदर सत्कार करते हैं। वो आदर सत्कार करते हुए हम लोग को कहीं भी इनको कहीं भी अड़चन आई है कुछ भी हो तो हम उनके साथ में हैं और उनको भी हमारे साथ में लेकर हम काम करेंगे। और सुरेंद्रपाल गौर जी को भी हमारा ये कहना है कि आपको बहुत तरह से धन्यवाद, आप अच्छी तरह से इन्होंने जो जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है तो वो जिम्मेदारी आप अच्छी तरह से निभाइए, साथ में मिलके काम करेंगे। हाँ, मिलकर ही काम करेंगे, बराबर है, क्योंकि ये अन्याय हटाना है, अधिकारियों को जो अधिकारी है यहाँ पर ये जो यूनियन होती है ये अधिकारी क्या करते हैं, कामगार को गुमराह करते हैं, कामगार कोई जा नहीं पाता। यहाँ पर अधिकारियों का इतना कोई अत्याचार चल रहा है कि पूछो मत। उल्लासनगर में जो कर्मचारी है उनको पास बुलाने तक की उनको मतलब ये नहीं है, और कोई कर्मचारी अगर उनको उनके पास जाते हैं कोई निवेदन लेके तो निवेदन को ठुकराया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको ब्लेम किया जाता है, उनके ऊपर उनको क्या एब्सेंट किया जाता है अगर परमानेंट रहेगा तो, और खाड़ा बदली के जरिए तो उनको काम से निकाला जाता है। अभी इनका ही जो यूनियन लाने के लिए जो बाहर के कर्मचारी उनके ऊपर उन्होंने ऐसा ही किया है कि उनको काम से निकाल दिया जाए, इस तरीके से उन्होंने ये किया है। मतलब इतना अत्याचार म्युनिसिपल में चल रहे हैं, तो गुरुजी से भी ये बोलना है कि आप आए, बहुत बड़ी ताकत लेके आए, हमारे साथ में हमारी ताकत बढ़ गई, हमारी भी आपसे आपकी ताकत बढ़ेगी, तो ये तरीके से हम लोग काम करके म्युनिसिपालिटी को हम लोग जरूर सीधा करेंगे। ये मेरा बोलने का बोला, दो शब्द करके, दो शब्द